उसके लिए मैं जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है, तो आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। खुद को समझता क्या? क्या करेगा तू? क्या अजय करेंगे सिर्फ काजोल के साथ काम करना प्रेफर? क्या अनन्या भी होंगी फिल्म का पार्ट? क्या रवीना कर सकती हैं अनन्या की माँ का रोल? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अनन्या पांडे को इस इंडस्ट्री ने उभरते सितारों की लिस्ट में रखा गया है। अभी इन्हें इंडस्ट्री में कदम रखे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन चंकी पांडे की लड़की ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाना अभी से शुरू कर दिया है। जी हाँ, यानी कि अनन्या पांडे को काफी डायरेक्टर्स से फिल्म के ऑफर आ रहे हैं और कई सारी फिल्मों के ऑफर उनके पास हैं। अनन्या को हाल ही में दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फिल्म गहराइया में देखा गया, जिसमें उनकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई, जिसके साथ ही उन्हें कई और प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रोच किया जाने लगा, जिसमें से एक है अजय देवगन की फिल्म दिलवाले का रीमेक, जिसके लिए अनन्या को मेकर्स ने किया है अप्रोच। खबरों की माने तो फिल्म में अनन्या का कैमियो नहीं बल्कि एक मुख्य किरदार के लिए अप्रोच किया गया है और ये किरदार स्टोरी का एक अहम हिस्सा होने वाला है। अनन्या पांडे को हम अब तक कई बड़े सितारों के साथ काम करते हुए देख चुके हैं, जिसमें कि दीपिका, कार्तिक आर्यन, भूमि पांडेकर जैसे नाम शामिल हैं। तो क्या अब हमें दिख सकती है अनन्या अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए? अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फिल्म में फीमेल लीड में कौन सी हीरोइन हो सकती है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई है कि अनन्या को अजय के ऑपोजिट नहीं देखा जाएगा। पिछले दिनों हमने आपको शेयर किया था कि फिल्म की लीड रोल में रेस में हमें काजोल और रवीना दिखने वाली हैं। दिलवाले के ओरिजिनल वर्जन में रवीना को देखा गया था अजय के ऑपोजिट, लेकिन क्या अब अजय नहीं चाहते हैं रवीना के साथ? जी हाँ, ये सच है। खबरों की माने तो अजय देवगन चाहते हैं काजोल को बतौर अपनी हीरोइन। वो मेकर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि काजोल को फाइनलाइज किया जाए फिल्म के लीड रोल के लिए, और वो काजल के साथ इसलिए भी काम करना चाहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि फिल्म में जो केमिस्ट्री उनकी काजोल के साथ निकल के आएगी वो शायद ही रवीना के साथ आए। इसीलिए अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए तो वो काजोल को चूज करेंगे। इस बात को अजय खुल के जाहिर कर चुके हैं। जब तक खबरें ये आ रही थी कि रवीना और काजोल में से कौन सी एक्ट्रेस होगी फिल्म में, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि फिल्म में हो सकती हैं डबल में लीड, यानी कि काजोल भी और रवीना भी। रवीना को फिल्म में अजय की एक्स लवर के रोल में देखा जा सकता है और साथ ही साथ अनन्या को उनकी बेटी के रूप में, लेकिन अभी इन खबरों पे मेकर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अनन्या पांडे और रवीना की केमिस्ट्री मचा पाएगी धमाल? धन्यवाद।